शिक्षक पाठ में निपात की चर्चा है। प्रश्न नंबर 12 में निपात छाटना है। तो सर्वप्रथम हम निपात पर विचार करेंगे। निपात को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अर्थ की अस्पष्टता के लिए वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द विशेष पर अधिक बल देने की क्रिया निपात कहलाती है। निपात मुख्यतः अव्यय हैं, जिस तरह क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय है, अभिकारी शब्द हैं, ठीक उसी प्रकार निपात भी अव्यय है, अभिकारी है। जैसे एक वाक्य है कि आप भी वहाँ थे, तो यहाँ भी जो है भी पर निपात की क्रिया घटित होती है, भी पर हम अधिक बल देते हैं। आपका जवाब होता है कि हाँ मैं भी था वहाँ, जी हाँ मैं भी था, तो यहाँ हाँ और भी पर निपात की क्रिया घटित होती है। इसी तरह एक और व्याकरणिक घटक है जिसको हम बलाघात कहते हैं। तो शब्द में प्रयुक्त किसी वर्ण विशेष पर अधिक बल देने की क्रिया बलाघात कहलाती है। बलाघात क्रिया मुख्य रूप से स्वर वर्ण पर घटित होती है, इसलिए बलाघात को स्वराघात भी कहा जाता है। जैसे विष्णु शब्द है, विष्णु में छोटी ई की मात्रा होती है, तो लेकिन इसकी गणना द्विमात्रिक वर्ण के रूप में होती है, व में दो मात्रा माना जाता है। इसी तरह बलाघात की क्रिया जो है हर्षई, हर्षऊ और अ, हर्षई, हर्षऊ से अंत होने वाले शब्दों में होती है। जैसे ऋतु, तो ऋतु में त हर्षऊ है, तो त हर्षऊ है और र के र में हर्षई है, तो यह र में दो मात्रा होगी, र की गणना द्विमात्रिक वर्ण के रूप में होगी। तो ये बलाघात है कि शब्द में प्रयुक्त किसी वर्ण विशेष पर अधिक बल देने की क्रिया बलाघात कहलाती है, जबकि वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द विशेष पर अधिक बल देने की क्रिया निपात कहलाती है। निपात अनेक प्रकार का होता है, जैसे भी, ही, ये जो है बलदायक निपात है। जैसे आप भी वहाँ थे, तुम ही तो थे, तुम ही थे, तो यहाँ ही पर तुम ही में लगे हुए ही पर निपात की क्रिया घटित होती है, तो ही भी ये बलदायक निपात है। इसी तरह हाँ, जी हाँ मैं था, तो यहाँ हाँ जो है स्वीकारात्मक निपात है। दरवाज़ा मत खोलो, तो यहाँ मत जो है निषेधात्मक निपात है। तो ये निपात शब्दों के अर्थ के आधार पर या शब्दों के भाव के आधार पर, अव्यय शब्दों के अर्थ के आधार पर या अव्यय शब्दों के भाव के आधार पर निपात का वर्गीकरण किया गया है। तो आप प्रश्न में जो वाक्य सम्मिलित हैं उसमें देख करके आप निपात छाट लीजिएगा, मन ही मन उसका विचार करके।